वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज्योति कपूर। तो कैसे हो बच्चों? बच्चों आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक में एक इजी सा कंसेप्ट क्लियर करवाने वाली हूँ फैक्टर मेथड से रिलेटेड। आज हम करेंगे एक ही वीडियो में दो मेथड से फैक्टर्स बनाने कैसे सीखते हैं। एक होगा हमारा फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा होगा डिवीजन मेथड। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से क्लियर करवाने वाली हूँ बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारे पास स्टेटमेंट सेम है, एक फैक्टर ट्री मेथड से हमें फैक्टर्स बनाने और एक डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम फैक्टर ट्री के मेथड से बनाएंगे 72 के। अब 72 बच्चों जाएगा पहले 2 के टेबल में, 2 36 72। अब 36 जाएगा बच्चों 2 के टेबल में, जाता है 18 पे। अब 18 के फैक्टर्स बनाएंगे, ये जाएगा बच्चों 9 पे, 2 9 18। अब 9 जाएगा हमारा 3 पे, 3 3 9। यहां आ गया 3 3, इट मीन हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जहां आ जाए वहां हमारे फैक्टर्स खत्म हो गए। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। अब इसको अगर हम सोल्व करके देखें, अगर 72 आ रहा है तो इट मीन हमारे फैक्टर बिल्कुल सही बने हैं। 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 72। तो ये हो गया ट्री मेथड से फैक्टर्स बनाने। अब एक और है हमारे पास डिवीजन मेथड से फैक्टर्स बनाने हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले सेम वही चीजें चलेंगी, 2 के टेबल में 36 पे, फिर 2 के टेबल में 36 18 एंड 2 के टेबल में 18 9 एंड 3 के टेबल में 9 3। अब आ गया हमारा प्राइम नंबर और ये यहीं पर फिनिश हो गया। इसके भी वही फैक्टर्स बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्या आ जाएगा बच्चों आंसर? 72। इस तरह से आप फैक्टर ट्री और फैक्टर्स डिवीजन मेथड से बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। क्लास 4 और 5 का इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमें और फैक्टर ट्री बनाना सीखना है तो बच्चों मान लो हमारे पास डिजिट है 54 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं बाय फैक्ट्री मेथड। 2 पे जाएगा 27। अब 27 जाता है बच्चों 3 पे, 3 9 27 और 9 जाएगा 3 पे, 3 3 9। अब यहाँ 3 हमारा प्राइम नंबर आ गया, यही स्किप कर देंगे तो हमारे क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 3 6 6 3 18 18 3 54। ये हो गया हमारा 54 के फैक्टर बाय ट्री मेथड। इसी तरह से बाय डिवीजन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं किसी भी बड़े से बड़े डिजिट और छोटे से छोटे डिजिट को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।